कुशीनगर जिले के पडरौना कोतवाली अंतर्गत बेतिया गांव में एक दहेज को लेकर हत्या का मामला सामने आया है। दरअसल यह मामला ग्राम बेतिया का है, जहां दहेज प्रताड़ना के चलते एक युवती की हत्या कर दी गई। इस मामले में मृतक अंजलि के परिजनों ने बताया कि बीते दिन 16 मार्च के दिन में अंजलि के ससुराल से फोन करके सूचना दी गई कि अंजलि की तबीयत खराब है और उसे इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया जा रहा है। सूचना मिलते ही परिजन तुरंत अस्पताल की तरफ भागते हैं, लेकिन वहां न तो अंजलि होती है न ही उसके ससुराल वाले। किसी अनहोनी की घटना की आशंका से जब परिजन अंजलि के ससुराल जाते हैं तो घर का ताला बंद होता है, जिसके चलते परिजनों द्वारा तत्काल पुलिस को सूचना दी जाती है। वहीं जब मौके पर पुलिस पहुंचती है तो चौंका देने वाले खुलासा होता है। बता दें कि पुलिस को जांच में पता चलता है कि बिहार राज्य के सुगौली में अंजलि के शव को जलाया जा रहा है। इतना सूचना सुन पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक अंजलि का शव जल चुका था। इसके तहत ही पुलिस ने फॉरेंसिक टीम की मदद से मृतका के अन्य सबूत को इकट्ठा कर इस मामले में ससुराल पक्ष के 6 लोगों पर दहेज अधिनियम अंतर्गत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर ससुराल के 6 लोगों की गिरफ्तारी के लिए टीम बनाकर तलाश करना शुरू कर दिया है। कुशीनगर से अनुराग रंजन की रिपोर्ट। दहेज के चक्कर में वो लोग मार दिया है हमारे बहनी को। कितना दहेज आप लोग दिए थे, कब शादी हुई थी? 2 साल पहले हुई थी। 10 लाख रुपया दे दिया गया था और स्प्लेंडर गाड़ी दिया गया था, सिकड़ी अंगूठी भी दिया गया था, सारा सामान भी दिया गया था। उसके बाद में डिमांड करने लगे 5 लाख रुपया और दो, और उसके बाद में तब रखेंगे और अपाची हमको गाड़ी दो। इस मामले में वो बीच बीच में झगड़ा भी करते रहते थे, मारते पीटते भी थे, और उस रात को वो मार के उसको लाकर जला वला दिए। सुबह जलाने के बाद में हम लोग को 10 बजे सूचना दिए। उसके बाद में हम लोग वहाँ पहुँचे तो घर पे कोई नहीं था, हम लोग को इधर उधर गुमराह किया है। प्रशासन से निवेदन है कि सख्त से सख्त कार्रवाई करे और इंसाफ मिले हम लोग। थाना कोतवाली पडरौना पर वादिनी मिंटू देवी द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनकी पुत्री अंजलि की शादी वर्ष 2022 में ग्राम बेतिया थाना कोतवाली पडरौना निवासी विजय के साथ हुई थी। पति तथा ससुराली जन द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाता था। दिनांक 16 मार्च 2024 को उनकी पुत्री अंजलि की पति और ससुराली जनों द्वारा हत्या कर शव को गायब कर दिया गया है। दिए गए प्रार्थना पत्र पर थाना स्थानी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा प्रकरण में अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जा रही है।